अच्छा, आप कभी रिजेक्ट हुए हैं? प्यार व्यार के अत्याचार के रेफरेंस से नहीं यार, इन जनरल लाइफ कभी रिजेक्ट हुए हैं? चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, 8th अप्रैल को जेई मेंस का एग्जाम था। इस बात से शायद आप सभी वाकिफ हैं, कई सारे बच्चे इस एग्जाम को देने वाले थे और सभी को बस एक उम्मीद थी, वो उम्मीद थी सिलेक्शन की। कोई पहली बार उस एग्जाम को दे रहा था, तो कोई दूसरी बार, और शायद कोई तीसरी बार जो कि लास्ट होता है। मैं पहले वालों में से था। सो एग्जाम शुरू होने के पहले सबको एक कॉमन सा डर था, और वो डर था सिलेक्शन का, कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। खैर, 9:30 पर हमारा एग्जाम शुरू हुआ और 12:30 पर फाइनली एग्जाम खत्म भी हुआ। जैसे एग्जाम खत्म हुआ, हम सब स्कूल से बाहर निकल रहे थे, तो कई स्टूडेंट्स मायूस थे तो कई खुश भी थे, और शायद कुछ ऐसे भी थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम सभी जब गेट तक पहुंचे तो हम सबने देखा कि गेट के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा थी। सभी स्टूडेंट्स वो भीड़ देख रहे थे, और मैंने उस भीड़ में कुछ अलग देखा। अकॉर्डिंग टू मी, उस भीड़ में तीन तरह के लोग थे। फर्स्ट, पेरेंट्स, जो कि अपने बच्चों की राह देख रहे थे। सेकंड, ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर्स, जो कि एक उम्मीद लेकर आए थे कि उन्हें कोई पैसेंजर मिल जाए तो उनका एक दिन बन जाए। इन दो तरह के लोगों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। तीसरी तरह के बंदे वो जो पैम्पलेट्स लेकर खड़े होते हैं, जिनकी मैं इन वीडियो में बात करने वाला हूँ। उन पैम्फलेट्स देने वालों में से मैंने एक बंदे को नोटिस किया। वो उन सभी से थोड़ा अलग था। रेमलेस चश्मे, वेल कॉम्ब्ड हेयर, वेल ड्रेसअप और बैग टांगे हुए इतनी धूप में पैम्फलेट्स बांट रहा था। मे बी कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट होगा या फिर लाइफ का कोई सब्जेक्ट। हाथों में पैम्फलेट्स लेकर वो खड़ा था, और ये पैम्फलेट्स ऐसे वैसे नहीं थे, अच्छी क्वालिटी वाले ग्लोसी पेपर्स थे जो उसको बांटने थे, किसी भी हाल में बांटने थे। हर आते जाते बच्चे को वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ गुड आफ्टरनून कहके पैम्फलेट्स दे रहा था। वैसे तो सभी उसको इग्नोर कर रहे थे, कोई उसके इस अंदाज को देखकर पैम्फलेट्स ले भी लेता, पर नॉट सो इंटरेस्टिंग कहकर वहीं फेंक देता। उसकी नज़रों के सामने उस कागज़ को फाड़ कर वहीं फेंक देता। स्माइल करता हुआ वो फेस सडनली मायूस सा हो जाता, और फिर एक नए इंसान को देखता और उसी मुस्कान के साथ वही सब कहता, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, सर दो मिनट बात हो सकती है। ऐसा करके वो बात तो करता, पर कोई उसकी तरफ नहीं देखता। फिर भी वो मायूस नहीं हुआ। जब मेरी बारी आई तो उसने उसी स्माइल के साथ मुझसे बात की और उस कॉलेज के बारे में डिटेल्स बताई, और मैंने भी अच्छे से सुनी। वो डिटेल्स बता रहा था और मैं उसके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल और चमक देख रहा था। उसके अंदर मुझे एक कॉन्फिडेंस दिखा। फिर जैसे तैसे उसने पैम्फलेट्स ख़त्म करके अपना प्रोजेक्ट भी ख़त्म किया। उस दिन उस लड़के के साथ दो गज़ब की बातें हुई। एक तो उसने कॉन्फिडेंस पाया पब्लिक में बात करने का, दूसरा बारी बारी रिजेक्ट होने पर सिलेक्शन होने की इम्पोर्टेंस पाई। अब इस कहानी को मैं अपनी जनरल लाइफ से रिलेट करने वाला हूँ। गौर कीजिएगा, हम अपनी लाइफ में बहुत बार रिजेक्ट होते हैं, फेल होते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। बार बार रिजेक्ट होने के बाद सिलेक्शन होने की खुशी ही अलग होती है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो वी शुड नॉट गिव अप, जस्ट कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, एंड वन डे वी विल गेट सक्सेस। नॉट इमीडिएटली, बट डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस। रिजेक्ट होकर बिटर मत बनो, उसे पॉजिटिव लेकर बेटर बनो। जस्ट थिंक अबाउट इट।